ब्रिटेन में मिले कोरोना के स्वरूप की वजह से तेजी से बढ़ सकते हैं संक्रमण के मामले। ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पहले के वायरस की तुलना में ज़्यादा घातक है और इसके कारण फिर से कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन बोले, यूएस में छाए हुए हैं भारतीय मूल के अमेरिकी। बाइडन प्रशासन के 15 दिनों के कार्यकाल में तमाम भारतीय अमेरिकियों की नियुक्ति हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी देश में छाए हुए हैं। बाइडन प्रशासन में अब तक 55 भारतीय अमेरिकियों को शीर्ष पदों पर नियुक्तियाँ हुई हैं। पीएम मोदी को मिलेगा एक और बड़ा पुरस्कार। आज वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण लीडरशिप से होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को यानी आज एक और पुरस्कार मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा, विदेश में दान दे रहे मगर अपने लोगों को पूरी क्षमता से नहीं लगा रहे टीके। केंद्र सरकार के टीकाकरण में वर्गीकरण पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, टीका विदेश में दान दिया जा रहा है, दूसरे देशों में भी बिक्री हो रही मगर अपने लोगों को पूरी क्षमता से टीका नहीं लगाया जा रहा। अपने कर्मचारियों व उनके परिवारों को लगने वाले कोरोना टीके का पूरा खर्चा उठाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी व राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने रिलायंस के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के टीकाकरण का पूरा खर्च रिलायंस वहन करेगी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।